एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड केक। जी हाँ, ब्रेड केक बहुत इजी है, आप विद इन 20-25 मिनट में बना सकते हो। बहुत इजी है। इसके लिए मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर का यूज़ कर रही हूँ इस बार। अभी तो आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हो। तो बटर स्कॉच फ्लेवर के लिए क्रंच बना रही हूँ, जिसमें शुगर लिए, हाफ बाउल शुगर लिए। उसमें आप थोड़ा सा बटर, मतलब 1 टीस्पून बटर, उसके बाद उसमें जो भी एलमंड्स हैं, मैंने कैश्यू एलमंड दोनों लिया। आप चाहें तो एलमंड या फिर सिर्फ कैश्यूज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्लेट में निकालना है उसको ग्रीस करिए अच्छे से, और उसमें आप क्रंच को निकाल लीजिए, थोड़ी देर ठंडा होने रख दीजिए। उतने टाइम तक मैंने अपना जो सिरप है वो तैयार कर लिया, जो कि बटर स्कॉच क्रश जो मैंने मेरे पास था मालास का, उसको लेकर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अब जो हमारा क्रंच है वो ठंडा हो चुका है, तो अब मैं उसको, जो मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, बटर पेपर है ये, तो मैंने इसको मतलब इसी पे ही मैंने इसको क्रश कर लिया प्रॉपर। तो ये अब ऐसा हो गया। अब इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। मैंने ब्रेड के जो साइड पार्ट्स हैं उसको कट करके पहले ही रख लिया है। 12 12 पीसेस लिए हैं मैंने। अब विपिंग क्रीम को विप करूँगी मैं, मतलब 6 to 7 मिनट्स लगते हैं। बहुत इजीली और बहुत आराम से कर सकते हो। अब बस थोड़ी सी टेक्निक चाहिए इसमें ना, ट्रिक्स होती हैं, बस आप इजीली कर सकते हो। देखो मेरी क्रीम कितनी परफेक्ट स्टिफ हुई है, ठीक है। तो अब मैंने टर्न टेबल के ऊपर बोर्ड रख लिया है। सी, अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो आप जो प्रॉपर थाली होती है ना, उसके नीचे एक बाउल रख लो, उसको रोटेट कर सकते हो। इतना ज़्यादा रोटेट नहीं करना होता ब्रेड केक के लिए, तो आप उस पर रख सकते हो, मतलब बिल्कुल वैसा ही लगेगा, ठीक है। तो आपको ब्रेड रखनी है, उसके ऊपर जो प्रोसेस है वो ये जाएगा कि ब्रेड रखिए, उसके ऊपर सिरप लगाइए, उसके ऊपर क्रीम लगाइए, उसके ऊपर क्रश है अगर आपके पास कोई भी क्रश है वो लगाइए, उसके ऊपर क्रंच लगाइए, फिर सेकंड लेयर में भी वही करना है, फिर सेकंड लेयर रखिए, फिर वही सब, ठीक है। अब बात आती है जिसके पास क्रश नहीं है। अब क्रश नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी, आप घर पे क्रश बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, अगर आपके पास बटर स्कॉच क्रश नहीं है, आपके पास कोई क्रश नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, घर पे स्ट्रॉबेरीज़, अगर आपको स्ट्रॉबेरी का बनाना है तो आप स्ट्रॉबेरी क्रश घर पे बना सकते हो। स्ट्रॉबेरीज़ को लीजिए, कट करिए, उसको शुगर सिरप में डिप कर दीजिए, मतलब शुगर सिरप आप जब बनाओ तो उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज डाल दीजिए, आपकी जो क्रश है वो बन जाएगा, उसको आप क्रश की तरह यूज़ कर सकते हो। सिरप के लिए आप सिंपल वाटर और चीनी, जो पाउडर शुगर है, उसको मिक्स कर लीजिए, वो सिरप की तरह ले लीजिए। अगर आप चॉकलेट वाला बना रहे हो तो बहुत इजी बनेगा फिर तो, कि आपको सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करना है प्रॉपरली, उसको आप चॉकलेट को पूरे पे बेस पे लगा सकते हो, तो चॉकलेट ही चॉकलेट रहना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिरप को यूज़ कर सकते हो उसमें, पर चॉकलेट के लिए आपको थोड़ा सा सिरप ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ये हुई बात स्ट्रॉबेरी की, चॉकलेट की। ऊपर से आपको अगर मतलब आपके पास क्रीम नहीं है, विप क्रीम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चॉकलेट लगा सकते हो उसमें, ठीक है। अब आपने चॉकलेट से भी डिज़ाइन बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनती है। स्प्रिंकल्स डाल दो, मैंने भी बहुत सिंपल लिया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है मैंने, सिंपल लिया है। आप भी बहुत इजी वे में इस केक को बना सकते हो, प्लीज़ ट्राई कीजिए। और मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए।